क्या हल? अब बचा क्या हल करने के लिए? तुम माफी मांग रहा हूँ मैं तुझे। जो जो आपने मेरे साथ किया हो ये जिंदगी पूरी नहीं है माफी मांगने के लिए। देखो जाने इस दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल मुझे पता होगा। हल नहीं चाहिए मुझे। और क्या हल है आपके पास? देखो हमारे पास एक आखिरी मौका है। तुम पागल तो नहीं हो गए? कौन सा मौका? तुम मुझे 3 दफा तलाक दे चुके याद है? फिर तुम मुझे कारी साहब के पास भी लेके गए थे। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। तो यानी कि तुमने मुझे 3 दफा तलाक नहीं दी? देखो बेटा नहीं, इस वक्त मैं सिर्फ सास से बात कर रही हूँ और मुझे सास से जवाब चाहिए। जरा तो मेरी बात। हाँ या ना? जरा इस मसले का। हाँ या ना? सबके सामने कसम खाएं और बताएं कि क्या सच है। तो क्या कर रही हो ज़ायरा? ऐसी छोटी मोटी बातों पर कुरान को बीच में नहीं लाते। जिस रिश्ते का खुदा गवाह हो ना उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए इसको बीच में लाया जाता है। अगर आप सच्चे हैं ना तो उस पे हाथ रख के बताएं कि ऐसा कुछ नहीं। बस हो गई तुम्हारी तसल्ली? आप देखे ना कुरान पे हाथ रख के कोई झूठी कसम तो नहीं खाता ना? परेशान हो रही है जैसे ज़ायरा को नहीं मुझे तलाक दी हो। अरे अल्लाह ना करे, अभी शादी हुई नहीं तुम तलाक की बातें कर रही हो। शरीफ लड़कियां ऐसे लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकालती। मुझे तो ज़ायरा पर हैरत हो रही है, उसने तो अपने हाथों जिल्लत समेटी है। कुछ नहीं तो कम अज कम अपने मरे बाप का ही ख्याल कर लेती। भाई साहब की रूह कैसी तड़प रही होगी। हाँ वैसे एक बात तो बताए, क्या लगता है सच बोल रही है? बकवास कर रही है, लोगों की हमदर्दियां समेटने के लिए साथ पर बोतान लगा रही है। लेकिन इतना बड़ा झूठ, पर उसमें उससे क्या फायदा होगा कि बेचारी खुद ही जलील हो। और यानी खाला भी कह रही थी एक दफा के साथ ने ज़ायरा को तलाक दी थी और फिर सुलह भी तो हो गई थी, और साथ क्या कलामे पाक पे हाथ रख के झूठी कसम उठाएगा? ज़ायरा ही झूठी है। काश ऐसा ही हो, दोनों का रिश्ता वाकई खत्म हो गया। जो ज़ायरा भाभी कह रही है वो सच है? अब क्या आप सब मिलके मुझ पर जिरगा बिठाएंगे? जिरगा नहीं बिठा रहे, हम सिर्फ सच सुनना चाहते हैं ताकि हम एक साथ फिगर आउट कर सकें कि हमने ये हैंडल कैसे करना है। थैंक यू सो मच, मैं खुद फिगर आउट कर लूंगा। मेरी गलती है ना, मैं इसको निपटा भी लूंगा और मैं सजा भी खुद ही भुगतूंगा।
यही तो पूछ रहा हूँ, क्या गलती है, क्या किया है आपने, कुछ बताए तो सही, आप तो कुछ बता ही नहीं रहे। अब बस कर दो ना, अब कितना पूछोगे, बता तो चुका है सब कुछ, सच ही बोल रहा होगा, कसम भी खा चुका है। तुम्हें क्या अपनी भाभी पर ज्यादा यकीन है अपने भाई के बजाय? कितनी बार इसे समझाया था कि अपने गुस्से पे काबू करे, गुस्सा इंसान की अकल को खा जाता है, लेकिन इसे कहां समझ आता है कुछ? सच सच बताओ, क्या जो जायरा कह रही है वो सच है? एक बार बता चुका हूँ ना आप लोगों को कि मैंने उसे तलाक नहीं दी, किस तरह बताओ फिर? अच्छा ना, बस भी करो, हालत देखो उसकी, सबके सब एक साथ ही शुरू हो गए हो। हाँ ठीक ही तो कह रही है अम्मी, जिसकी हमदर्दी में आप लोग भाई से इतने सवाल जवाब कर रहे हैं वो इस लायक ही नहीं है, एक नंबर की बदकिरदार और खटकिरदार। तुमने कोई उंगली उठाई तो फिर देता तुम। क्यों क्यों ना उठाओ उंगली, और आप किस किस को रोकेंगे? आज हम बात करें कल सारा जमाना बात करेगा कि गैर मर्द के लिए अपना घर बर्बाद कर चुका है। बकवास है, फहद से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपकी बीवी इतनी ही पाकीज़ा है तो क्यों मेरे शौहर के आसपास मंडलाती रहती है, और आप लोगों ने जो अपनी आंखों से देखा था उसका क्या? मम्मी आप इससे कहेंगे अपनी बकवास बंद करें, नहीं तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। बस कर दो साथ, अंधेपन की भी हद होती है, कब तुम्हारी आंखों से उसकी मोहब्बत का पर्दा उतरेगा? वो सारे खानदान के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां बिखेर रही थी, तुम अभी उसकी मोहब्बत का दम भर रहे हो, आंखों देखा भी झुटला रहे। झुटलाऊंगा, सारी दुनिया को झुटलाऊंगा मैं। और आप लोग मेरी बात का कान खोल के सुन ले, अगर आज के बाद इस घर में सारा के किरदार के बारे में किसी ने बात की तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा, समझ आई तुम्हें? अरे भाई अगर इतना यकीन था उसके ऊपर तो फिर काहे को ये सारा तमाशा किया तुमने? ये बात तो बेहतर होगा कि आप अपने आप से पूछें। अगर आप सच्चे हैं ना तो इसमें हाथ रख के बताएं कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें तो खुश होना सच, बहुत बड़ा कारनामा करके आया हूं, एक चीटी जाग की लड़की को बदनामी की खबर में उतार रहा है। तुम्हें तो पता है जिस मैं सब नहीं चाहता था, जितनी जल्दी ये बात तुम अपने आप को समझा लो उतना ही बेहतर है। आगे देखिए कि तुमने उसकी कितनी वीरान और कितनी खाली थी। जिंदगी में पहली बार उन्हें तुम्हारा अक्स नहीं था सर, खो चुके हो उसे हमेशा हमेशा के लिए, कभी तुम्हारे पास वापस नहीं जाएगी, कभी भी। बस कर दो, अगर आप सच्चे हैं तो इसमें हाथ रख के बताएं कि ऐसा कुछ नहीं, एक गलत इंसान के साथ थी।
आप गलत इंसान के साथ होते हैं तो कुछ ठीक नहीं होता। खुद को इल्जाम मत दो बेटा। अल्लाह ने उसे तुम्हारी जिंदगी से निकालना था, उसका तुम्हारी नजरों से गिरना जरूरी था ताकि तुम्हारी आंखों पर बड़ा पर्दा हट सके और तुम उसकी मोहब्बत के फरेब से निकल सको। ठीक कह रही हैं आप मुझे हमेशा समझाती थी ना कि साथ मेरे लायक नहीं है और मैं आपकी बात ही नहीं मानती थी। जब भी तो ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ और जो बच्चे अपने अपनी वालदैन की बात नहीं मानते उनको जिंदगी सबक सिखाती है और जो जिंदगी सबक सिखाती है वो कभी नहीं भूलता। साथ में जो मेरे साथ किया है मैं कभी नहीं भूल सकती अम्मी और मैं साथ के पास अब मर के भी वापस नहीं जाऊंगी। दावत में मैं जो भी कहा था वो सब इत्तेफाक नहीं था, वो सब एक ड्रामा था, प्लान था सब कुछ। दावत में मैं जो भी कहा था वो सब इत्तेफाक नहीं था, वो सब एक ड्रामा था। Thank you.
क्यों आया तुम यहाँ? सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लिया, उसके बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। सिर्फ एक बार प्लीज। मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत खफा है और आपको होना भी चाहिए, क्योंकि मेरी गलती ऐसी है कि मेरी गलती मेरी मोहब्बत से बड़ी नहीं है। मैं जाना से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर मैं जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये बात तुम्हें उसे तलाक देने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं। नहीं खत्म हुआ हमारा रिश्ता था यही। जाना ने मुझसे ये बात की होगी, मैं जानता हूँ। ऐसा वो भी कैसे सुनते हैं? उसका वजूद मेरे लिए सैमसंग की तरह है। वो है तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। अब मुझे बताएं मैं कैसे उसे अपनी जिंदगी से निकाल सकता हूँ। मैं जानता हूँ मुझमें बहुत गलतियां, बहुत खामियां हैं। मैं गुस्से का तेज हूँ, जज्बाती हूँ, जल्दबाज हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि अपने जीने की वजह को अपने हाथों से मैं अपने आप से दूर कर दूँ। आप प्लीज उससे बात करें, उसे समझाएं। मैं जानता हूँ वो आपकी बात नहीं टालेगी। उसे वो याद करवाएं कि ताया अबू ने उसका हाथ मेरे हाथ में दिया था। उसे उनका भी ख्याल नहीं है वो इस तरह कैसे वो अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा सकती है। क्यों आए हो यहाँ? प्लीज मेरी बात सुनो। बात? मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, निकल जाओ यहाँ से। जहरा प्लीज, तुम्हें उस मोहब्बत का वास्ता है जो तुम्हें मुझसे है। जहरा मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? मोहब्बत तो क्या तुम जैसा शख्स हम धरती के भी लाइक नहीं। जाओ यहाँ से और आईना या नहीं आना। मुझे तो तुमसे कभी इतनी मोहब्बत नहीं जितनी नफरत हो गई। प्लीज जहरा ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा। प्लीज तुम मर जाओ, जहन्नम में जाओ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। सुना नहीं तुमने? मैं निकल जाओ यहां से। जाओ। ये सब क्या हो रहा है? नमाज पढ़। मामला कुछ और है। जो कहानी नफीसा ने हमें सुनाई थी और जो कुछ हमने अभी अपनी आंखों से देखा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कहना क्या चाह रही हो तुम? उसकी आंखों में मैंने जायरा को खो देने का खौफ वाजे देखा है। जितनी मोहब्बत करने वाला शख्स क्यों अपनी बीवी को तलाक देगा? और जो कुछ जायरा कह रही है वो? अरे वो सच कह रही है या झूठ, इसका फैसला कौन करेगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा क्यों करेगी? भाई मैं भी वो उसके साथ रहना ही ना चाहती हूँ, इसलिए ये सब कह रही हूँ। नहीं बनिया, जायरा ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो इस दौर की लड़की है और आजकल की लड़कियाँ माफ कीजिएगा बहुत आगे निकल गई हैं। बस मरियम बस, दूसरों की बेटियों के बारे में बात करने से पहले ये मत बोलो कि हमारी भी बेटी है। आप तो ना बस हमेशा मेरे अगेंस्ट ही बात करेंगे, लेकिन देख लीजिएगा आज नहीं तो कल ये सच सामने आकर रहेगा। खुद देखिएगा। अरे भाई मुझे कुछ नहीं खाना, एक पल का चैन नहीं है मुझे। पता नहीं कहाँ होगा, कहीं उसने खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा लिया हो। सुहेल, सुहेल पता चला? दर बदर भटक रहा होगा मेरा बच्चा। क्या गलती हो गई हमसे, किस चीज की सजा मिल रही है हमें? गलती तो हमसे ही हुई है। सबसे बड़ी गलती है जायरा को ब्याह के लाने की। सब कुछ उसकी वजह से हुआ, सारा सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है। औरों की भाभियां घर आती हैं तो खुशियां लेके आती हैं, बरकत लेके आती हैं। हमारी भाभी मसले और परेशानियां लेके आई। भाभी बिना वजह ऐसी बात क्यों करेंगी? अच्छा बस, ज्यादा उसकी हमायत करने की जरूरत नहीं है। बस दुनिया में एक वो ही समझदार है जिसे देखो उसकी समझदारी के किस्से सुना रहे, जैसे हम सब लोग को पागल है ना।
समझदार औरतें यूं बीच चौराहे में अपनी इज्जत की हंडिया नहीं फोड़ती, मरते मर जाती हैं, लेकिन अपने मियां की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देती। और तुम भी अपनी बीवी को लगामे डाल कर रखो। अगर जायरा के नक्शे कदम पे चल पड़ी ना, हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। छोड़े ना अम्मी, वो कौन सा इसके कहने पे है, अपनी मर्जी की मालिक है वो। बस कर ले आप लोग यार, बस कर दे खुदा के वास्ते। इतना कुछ हो गया इस घर में, आप लोगों ने अभी तक सबक नहीं सीखा। पागल तो नहीं हो गए, कैसी बातें कर रहे हो, होश में हो? बिल्कुल होश में हूँ, आप लोग कब होश में आएंगे? भाई के साथ आज जो कुछ हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से। शुरू से आप भाई और भाभी के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, और अब आप हम लोगों के साथ भी यही सलूक दोहराना चाहती हैं। खामोश हो जाओ सुहेल, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो मीको? अच्छी तरह अंदाजा है मुझे, अफसोस इस बात का है कि आप लोगों को अंदाजा नहीं है अपनी बर्बादी का। कौन खुश है इस घर में? तुम खुश हो? भाई खुश है? कोई खुश नहीं है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में इनकी इन्वॉल्वमेंट हद से ज्यादा है। शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे की मुदाखलत से घर बर्बाद हो जाता है, चाहे वो अपनी सगी माँ ही क्यों ना हो। अभी मैं आपको भी कह रहा हूं, अभी भी वक्त है, संभाल लें अपने आप को, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए, सब बर्बाद हो जाए।